स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो सीरीज में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल हाल में पंचायत राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है। बताते चलें, इस पहल का उद्देश्य स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के माध्यम से ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा प्रदान करना और उनका समर्थन करना है। इसके साथ ही यह एप्लीकेशन एकीकृत भू स्थानिक मंच प्रदान करता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करेंगे। ध्यान रहे, पंचायत राज मंत्रालय ने एक मोबाइल आधारित समाधान एम एक्शन सॉफ्ट का भी शुभारंभ किया है। इसमें संपत्तियों की जियो टैगिंग 3 चरणों में की जाएगी, कार्य शुरू होने से पहले, कार्य के दौरान और कार्य पूरा होने पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एम एक्शन सॉफ्ट प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संचय, सूखा निवारण, स्वच्छता, कृषि, चेक डैम और सिंचाई माध्यम आदि से संबंधित सभी कार्यों और संपत्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम मानचित्र कई प्लानिंग टूल्स प्रदान करता है, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी वास्तविक व व्यवहारिक विकास योजनाएं विकसित करने में GIS तकनीकी का उपयोग करेंगे। साथ ही इस टूल का विकास योजनाओं को बनाने में निर्णय समर्थन प्रणाली, जैसे कि परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों की पहचान करने के लिए टूल्स, समिति की ट्रैकिंग, लागत और परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन करना आदि सुविधा प्रदान करते हैं। आपको यह वीडियो सीरीज कैसी लगी? आप एचपी सोलंकी स्टडी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।